Hey guys, welcome back to YouTube channel Zee Your Friend Girlfriend भाई। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर आऊँ फिर से करोलबाग लेकर आऊँ। और आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है? वेन्यू। तो वेन्यू में पूरा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है मान? वेन्यू में हम अपनी इंटीरियर से रिलेटेड सारा काम कर रहे हैं, डैशबोर्ड पूरा फुल कवर करेंगे। अच्छा, डैशबोर्ड हो गया, सीट कवर्स हो गए, बकेट सीट कवर्स हो गए, बकेट सीट कवर्स हो गए, और अपनी पीछे वाले गेट्स में पावर विंडोज। पावर विंडोज, अच्छा मैनुअल, जिसमें मैनुअल है, इसमें मैनुअल आती है। ओके, पावर विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, सेंटर लॉक्स लगा रहे हैं, सेंटर लॉक्स में हम फ्लिप की दे रहे हैं, फ्लिप की दे रहे हैं। ओके चलो आओ स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ दिखाने के लिए इसका मतलब आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैम्पिंग हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं गाड़ी में, और ये कापा के जो है कंपोनेंट स्पीकर्स लगे हुए हैं, और इसमें काफ़ी सारा काम इसमें ओवरऑल स्टार्ट हो चुका है। सीट्स कवर निकल चुके हैं क्योंकि सीट कवर लग रही है इसमें भी, और मैं देख पा रहे हैं म्यूजिक सिस्टम की जगह पूरी खाली पड़ी है। देख लो पूरी जगह खाली पड़ी है क्योंकि इसमें जो है म्यूजिक सिस्टम लग रहा है 10 इंच एंड्रॉयड लग रहा है। और इसमें आगे लेके चलता हूँ आपको, आगे प्रोटेक्शन गार्ड है। तो इसमें जो भी फ्रंट प्रोटेक्शन गार्ड लगाया है आप देख पा रहे हैं, ये अलग से जो आफ्टर मार्केट लगाया गया है फॉर मोर। ये देखो पहले नॉर्मल ऐसे आता है, ठीक है, अब इसको इस तरीके से जो है गार्ड लगाया है, ये पूरा का बहुत अच्छा गार्ड जो है देखने में, जो कि लुक को इन्हेंस कर रहा है। यही सेम चीज़ जो है रेयर में भी लगी है, चलो आपको लेके चलता हूँ। ये रेयर में भी जो है पीछे लग गया है सेम, इसको मैं आपको बाद में जो और अच्छे से दिखा दूंगा। सो ये आप गाड़ी देख पा रहे हैं, इसमें पूरा 10 इंच जो एंड्रॉयड सिस्टम लगने वाला है अभी, और जो आगे आप देख पा रहे हैं ये आगे जो है कापा ही कंपोनेंट स्पीकर्स लगे हैं। पीछे अभी इस साइड वाले डोर पे भी लगना बाकी है, यहाँ पे लग चुके हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी के जो है कंपोनेंट्स लगे हैं। काफ़ी कुछ इस गाड़ी में जो है देखने के लिए मिलने वाला आपको आज की डेट में, इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला आपको इस गाड़ी के अंदर। सीट कवर देख लो वेन्यू के रेडी हो चुके हैं, दो तो बल्कि रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बड़े बढ़िया लग रहे हैं। क्वालिटी चेक कर लो एक बार, स्टिचिंग देखो कितनी इनहेंस, मतलब गाड़ी के अंदर लगेगी ना सीट्स तो लुक एक नंबर लगेगी पूरी। और अभी इसकी जो है ये पीछे की सीट जो है बन रही है, अभी इंस्टॉलेशन इसमें हो रही है, तो प्रोसेस चालू है, और जो इसके पिलर्स वगैरह पे काम चल रहा है। और हमारे भैया जी हमेशा की तरह गाड़ी को चमकाने में लगे। ये एक और प्लेयर है जो रेडी हो रहा है इसमें भैया, और ये प्रोसेस में है आगे वाला, इसमें चिपक चुका है। ये फ्रंट वाला प्लेयर है, ये मिडल वाला है मेरे ख्याल से प्लेयर नंबर 2 जो बीच में होता है। तो इस टाइम पे भी गाड़ी में काम चल रहा है। सो अभी इसमें जो है पीछे जो है पावर विंडो इंस्टॉल करी जा रही है, पीछे जो है पावर विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं आरडी की, ओरिजिनल आरडी की जो पावर विंडो इंस्टॉल हो रही है। पीछे जो बैक डोर थे इस पर जो है मैनुअल है, तो उसमें जो पावर विंडो इंस्टॉल करी जा रही है अलग से। ये वेन्यू की रूफ बन रही है जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इसकी जो गाड़ी के अंदर की छत होती है इसको जो है पूरा ब्लैक कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल स्टॉक ऐसी आती है, कंपनी ऐसी प्रोवाइड करती है, इसको जो है ब्लैक करवा रहे हैं। कपड़ा देख रहे हो बहुत बढ़िया होने वाला है काम। अभी जो है इसको इस पर चिपकाएंगे इसको पूरी तरह। स्कॉच लॉक्स यूज़ हो रहे हैं जैसे वायरिंग में कट्स वगैरह नहीं लगते। पावर विंडो पीछे की इंस्टॉल हो चुकी है, तो अभी इसमें जो है फॉग लैंप और DRL लगने वाली है। और फ्रंट लुक इसका भी देख लो कैसा है, ये बेस मॉडल है, इसमें अभी जो है टॉप मॉडल वाली ग्रिल लगने वाली है जो कि पूरी क्रोम के साथ होगी। अभी आप देख लो, चेक कर लो, बाद में भी आपको एंड में आपको पूरी डिटेल में दिखा दूंगा मैं इसको। लगवाने जा रहे हैं रिफ्लेक्टर लग रहे हैं वेन्यू में, चलो इसको भी दिखाते हैं आपको इंस्टॉल करते हुए। तो अब हम जो है इसमें वेन्यू में जो है इंस्टॉल कर रहे हैं रिफ्लेक्टर की जगह पे, इसमें रिवर्स पार्किंग और ब्रेक लाइट्स वगैरह होती है, जो कंपनी फिटेड देती है वो ये है, इसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। ये रिवर्स के लिए खाली ओनली बल्ब दिया हुआ है इसके अंदर, देखो। और जो इसके अंदर है इसके अंदर सर बल्ब भी है और इंडिकेटर्स वगैरह है, पार्किंग लाइट्स भी है, तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सो चेंजेस देखते हैं कैसा होती है। पुराना वाला रिफ्लेक्टर बस रिवर्स लाइट वाला निकाल गया है, अब हम इसकी जगह पे जो है दूसरा लगाएंगे जो कस्टमाइज है। ये देखिए
सो ये कंपनी लगा के दिया था और ये आफ्टर मार्केट हम लगा रहे हैं। इसमें जो है बहुत अच्छी लाइट्स वगैरह आपको मिलेगी, रिवर्स पार्किंग लाइट मिलेगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें लाइट्स में देखने के लिए मिलने वाली है। अभी एक साइड की लग रही है अंडर प्रोसेस और दूसरी साइड की लगना बाकी है, अभी इस पर लगना बाकी है। मैं आपको ये काम कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूँ, पूरी लाइट जलावा ला के दिखाऊंगा। और अंदर भी इस टाइम पे बहुत सारा काम हो रहा है, इस टाइम पे गाड़ी पे बैक की डोर्स हैं जिसपे कि पावर विंडो का जो है सेटअप जो है लग गया है। देखो आप जैसे देख पा रहे हैं ये पावर, इसमें पावर विंडो जो अलग से लगी है आरडी की, ये उसका सेटअप है जो आप देख पा रहे हैं, इसमें भी लग गया है। पीछे के दोनों पीछे के डोर्स हैं, इन पर भी काम होना बाकी है, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। सो ये छत इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें आपने देखा पूरा ब्लैक कर लिया है छत को उस टाइम पर। सो ये वेन्यू का इंटीरियर पूरा, इसमें कि अब काम हो रहा है। तो अब जो इसमें इंस्टॉल करी जा रही है, ERL इंस्टॉल करी जा रही है। मैं कहा दिखाया तो एक बार दिखा दे। ERL इंस्टॉल हो रहे हैं, नीचे फॉग लैंप जो इंस्टॉल करे जा रहे हैं। उसमें डे रनिंग लाइट है, चूँकि काफ़ी गाड़ी की लुक को और इन्हेंस करेगी। देखने वाली बात यही है कि इस ब्लॉग में जो है इस कार के अंदर काफ़ी कुछ हो चुका है और काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि जो अभी गाड़ी में जो एंड्रॉयड सिस्टम जो है ऑलमोस्ट फिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इसके अंदर की इसकी फॉग लैंप और इसके DLR और फॉग लैंप, ये भी दोनों इंस्टॉल होंगे ना, जो लाजवाब लुक देने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशली बनवाया गया, क्योंकि इसमें जो है सिलाई के निशान है, ये सारे इसमें आ रहे हैं। ये खासियत इसकी यही रहेगी कि इसमें जो सिलाई है कॉर्नर पे आएगी बिल्कुल, जो कि डिमांड थी। जिस कार पे भी काम चल रहा है बाहर, जो भी खड़ी है उस पर जो है वो है बेस मॉडल है। और ये हम जो उसमें जो ग्रिल इंस्टॉल करने वाले हैं ये टॉप मॉडल वाली है, देखिए चेक कर लो, ये ओरिजिनल एकदम Hyundai की ओरिजिनल ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल जो डलने वाली है इसके अंदर। सो अब ये उसमें जो है इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसका लुक जो और ज़्यादा इन्हेंस होकर जो सामने आएगा। एक बार जब पूरी फिटिंग हो जाएगी, ये पिलर्स वगैरह सब इंस्टॉल हो चुके हैं इसके अंदर। सो इस टाइम पे गाड़ी के अंदर हो रही है लेदर फ्लोरिंग हो रही है। लेदर फ्लोरिंग के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं जैसे कि आपको पता है। तो ये जो कंपनी वाली जो हमारा जाता है इसके अंदर अगर कुछ भी लिक्विड गिरता है तो ये पास कर देता है नीचे। पर अगर आप इस लेदर में अगर आप कुछ भी गिराएंगे, सिंपल आप सिंपल पानी मारोगे तो उससे काफ़ी हद तक जो है क्लीन हो जाएगा। वही अगर आप इस पर गिराते हो तो वो गाड़ी में जो है स्मेल छोड़ेगा और अंदर से गाड़ी को रस्ट भी करेगा, तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ की गाड़ी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी गाड़ी में पूरी तरह बिछा दी जाएगी। तो फाइनली इसमें जो अभी एल्पाइन के चार चैनल के एम्प जो इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कि मेरे ख्याल से कंपोनेंट भी रन होगा और एक बूफर भी रन करेंगे JBL का। लेट्स सी, अभी गाड़ी में इंस्टॉलेशन चल रही है, जब पूरा काम कंप्लीट होगा तो मैं इसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो कंपनी आपको स्टॉक में देती है Hyundai की ग्रिल, वो ये आती है, कुछ इस तरह नज़र आती है जो बेस मॉडल में आती है, और जो टॉप मॉडल में आपको मिलती है वो इस तरीके से नज़र आती है। सो गाड़ी हो चुकी है इस टाइम पूरी तरह तैयार है। सो फाइनली गाड़ी हो गई है कंप्लीट, जो हमने काफ़ी इंतज़ार किया इस गाड़ी को लेकर, बहुत ज़्यादा काम हुआ है
और गाड़ी इस टाइम पे जब 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 गाड़ी भाई ने परचेज की थी उन्होंने तो बेस मॉडल था राइट, और अब आप देख के बता नहीं पाओगे कि बेस मॉडल है कि टॉप है। चलो स्टार्ट करते हैं, करके चीजें दिखानी स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस लाइट से। तो हेडलाइट पे हमने बेसिकली कुछ काम नहीं किया राइट, हमने काम किया है इसके फॉग लैंप पे और ये DLR पे। तो मैं और हमने फ्रंट में जो है ग्रिल लगाई है जो कि टॉप मॉडल में आती है, टॉप मॉडल पे आती ना। और यहाँ पे जो पहले मैंने आपको दिखाई थी सिंपल ग्रिल लगी थी, इसमें क्रोम नहीं था, सिंपल थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं टॉप मॉडल वाली ग्रिल मिल है जो कि इसमें आई है। बहुत ही लुक को जो है इसने इनहेंस किया है, बहुत बढ़िया लग रही है इस टाइम पे। और अब बात करेंगे इसकी DLR के ऑन करने की। हिमांशु जरा इसको ऑन करके दिखाओ एक बार। तो अभी हमें ऑन करके दिखाने वाले हिमांशु। और DLR हेडलाइट इसमें इंडिकेटर भी रनिंग है क्या? और अब ये देखो। तो ये काम हुआ है इस गाड़ी में पूरी तरीके से। अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर, पहले हम आपको दिखाएंगे इसकी सीट्स का हुआ। अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर की बात करने के लिए। सो गाड़ी गाइस आपने सारे सिनेमैटिक्स देख लिए, गाड़ी बहुत ही उमदा लग रही है भाई, बड़ी जबरदस्त लग रही है। हिमांशु बताओ हमें एक एक करके। गाड़ी का हमने डैशबोर्ड कंप्लीट करा है। आप बता नहीं सकते कि बाहर से हुआ है, एकदम जेन्युइन कंपनी जैसा ही पीस है। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, जितना भी अपने इंटीरियर को डेकोरेट किया, अपडेट किया, तो ये लेदर कौन सा रहा होगा? ये अपना ऑस्ट्रेलियन लेदर है। ओके, ऑस्ट्रेलियन लेदर जी। ये सारा हमारा यूनिक आइटम्स हैं, ये आपको हमारे अलावा किसी और के पास नहीं मिलेंगी जल्दी से आइटमें। और ये हमने सीट कवर्स बनाया है विद डायमंड कट्स, और अपनी रूफ भी करी है इसमें हमने ब्लैक करी है, पूरी ब्लैक कर रखी है मैंने। और जहाँ तक कि हमने सनशेड्स देंगे उनको भी ब्लैक कर दिया, उनको भी ब्लैक किया। और साथ साथ जो सीट्स कवर है डुअल टोन में ब्लैक एंड ऑरेंज बहुत सही लग रही है, जो उसके अंदर ये जो सिलाई वगैरह क्रॉस लगा रखी है और इसकी लुक को एनहांस कर रही है। साथ ही हमने बैक सीट भी पूरी इसमें सेम डिजाइन में करी है, हमने कुछ अलग से नहीं किया। बैक सीट की बात कर रहे हैं हम, बैक सीट में भी आपको सेम डिजाइन मिलेगा, इसमें आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा डुअल टोन के साथ, सेम डिजाइन मिलेगा। ओके, और साथ साथ हमने इसकी डिगी में हमने जो एज यूजुअल हमने सेम रखा है, लेदर रखा है, धागा नहीं रखा। और अब बात करेंगे म्यूजिक सिस्टम की। सो म्यूजिक सिस्टम सबसे हमने लास्ट में दिखाया है इसकी, ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये बहुत लोगों को जानना होता है, तो हमने लास्ट के रखा ताकि हम इसको तरीके से और आराम से दिखा सके। हिमांशु बताओ मैं इसके बारे में। ये हमारा 10 इंचेस हाइपरसोनिक का फुल एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है। ओके, जिसमें कि आप अपने एंड्रॉइड की सारी एप्स यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हैं, नेविगेशन ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब वगैरह सब नेविगेशन सब कुछ इसमें, ऑलमोस्ट पूरा हमारा फोन एक तरीके से आ गया है ये। चले हम हमको इसकी आवाज सुनिए। इसमें हमने जो स्पीकर जो हमने इसमें कंपोनेंट्स डाले उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए पहले। हमने इसमें कापा सीरीज के इन्फिनिटी के कापा सीरीज के कंपोनेंट्स लगाए हैं फ्रंट टू गेट्स में, और रियर टू गेट्स में हमने इसके कोएक्सल लगाए हैं। कोएक्सल लगाए हैं जो कि म्यूजिक क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम चारों में कंपोनेंट लगा दें, कंपोनेंट वो चारों में जब लगता है जब हैवी सिस्टम लगा रहे हो या हम कोई डबल वूफर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो। ये एक बेसिक सिस्टम हैगा जो कि आपको अच्छी क्वालिटी देगा, वॉइस क्वालिटी देगा। और इसमें हमने एक अल्पाइन का एम्पलीफायर फिट करा है, अल्पाइन का एम्पलीफायर, इसकी म्यूजिक क्वालिटी एकदम ऑसम हो चुकी है। और साथ मैंने इसमें डिग्गी में वूफर भी देखा है, अभी कंसोल बॉक्स पड़ा है पायनियर का, राइट, पायनियर का सब वूफर भी लगाया है इसमें। सो पहले हम इसकी आवाज सुनेंगे एक NCS के साथ, NCS के साथ। और साथ साथ आप में से जितने लोगों को जो इसमें भी पंजाबी गाना सुनना है ना, मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है नीचे, इसको फॉलो कर लो। मैं एक पंजाबी गाना भी प्ले करने वाला हूँ फुल लाउड करके, सिद्धू मूसेवाला वाला सेम भी फॉलो कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे को उसी की रिक्वेस्ट करते हैं इनबॉक्स में आके। तो मैं वही गाना जो है सभी प्ले करूँगा जो क्रेटा में किया था। तो पहले आप NCS सुनो, गाना सुनो, वोकल सुनो, बूफर सुनो, उसके बाद पंजाबी गाना भी मिलेगा, पर वो इंस्टाग्राम पे मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट। Till my shit.
दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, हमने आपको दिखाई पूरी हुंडई वेन्यू दिखाई जिसमें कि ए से लेकर जेड तक ऑलमोस्ट पूरा ही काम लगा लो हो गया था भाई। क्या नहीं हुआ गाड़ी में, हर चीज हुई, सिस्टम हो गया, सिस्टम कौन सा था, हाइपरसोनिक का सिस्टम लगा 10 इंची, भाई सब मजा आ गया सुनकर। और इंटीरियर इतना जबरदस्त इंटीरियर बनाया ना गाड़ी का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट में जो इजीली अवेलेबल नहीं होती भाई। ये दुकान बहुत बड़ी है, यहाँ पे हर चीज़ आपको एट द सेम टाइम अवेलेबल होती है और आपको दिखाई भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ के बैठना है, सारा काम आपके सामने होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, हाइड करके कर रहे हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन दबा देना भाई, नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं आएगी। और हाँ लाइक कर देना भाई, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ लाइक जरूर करना, सुबह से रात के 10 बज गए, 10:30 भाई, अब तो लाइक कर दो। चलो मिलते हैं, हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं भाई।